आज आपके पास एक बार फिर से एक नई सूचना के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करते हैं सारा की। सारा इंडिया परिवार की बात अगर आप देखें तो मैं करीब करीब आपको हर वीडियो में उसी से संबंधित सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो अभी जिस तरीके से हमारा सारा इंडिया परिवार में खींचतान चल रही है, तो अभी इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि आगे ये किस तरह से खींचतान अभी आगे चलेगी कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो पेमेंट्स देने की जो डेटें थी वो करीब करीब पास आ गई हैं, और लेकिन पेमेंट्स के लिए अभी भी कोई ऊपर से स्थिति नहीं बन पा रही है कि कोई हम लोग को अपडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं कि पेमेंट को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में पेमेंट तो देना ही है कंपनी को, तो वो किस तरीके से देगी, अगर वो देना है तो वो पब्लिश कैसे करेगी, किस तरीके से करेगी, तो अभी ये आने वाले समय में ही मालूम हो पाएगा। तो जिस तरीके से स्थितियाँ ये बन रही हैं कि एक जो सारा श्री का जो उन्होंने अपना एक वचन दिया हुआ था कि हम नवंबर दिसंबर में करीब पेमेंट हम स्टार्ट कर देंगे, लोगों को अब आगे वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नवंबर भी ख़त्म हो गया, दिसंबर हमारा आधा करीब करीब निकल रहा है, और अभी भी कोई भी उस पर किसी भी पेमेंट के लिए कभी मतलब कहीं से भी कोई भी हमें न्यूज़ नहीं मिल पा रही है कि मैं आप लोगों को उससे अपडेट करा सकूँ। तो जिस तरीके से ये प्रकरण हमारा 2013 से चल रहा है, आज होते होते करीब 9 साल धीरे धीरे होने को आ गए हैं और अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया है, चाहे वो हमारे सारे इंडिया परिवार के ऑफिस से हो या हमारे जितने भी ऑफिसेज जो हर सिटी में बने हुए हैं वहाँ से हो। चूँकि इसका डिसीजन हमारा जो भी है, हमको जो भी जितना भी डिसीजन है हमको सारा श्री को लेना है यहाँ पे, और वो डिसीजन किस तरीके से ले रहे हैं किसी को भी वो चीज़ नहीं मालूम हो रही है। अभी बात करते हैं कि कुछ समय पहले भी हमारे पास एक ऑप्शन आया था कि ये अपनी सारे कुछ ऐसे हैं जो बाहर के लिक्विडेशन करवा के अपनी प्रॉपर्टी को वो हमारे पेमेंट्स करेंगे, लेकिन वो भी हमारा लिक्विडेट्स जो होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की जो बोली लग रही थी वो हमारे जो भी कॉस्ट के से भी नीचे जा रही थी। तो सारा श्री ने एक चीज़ बोली कि भाई हम अपने किसी भी लिक्विडेट करने के लिए किसी भी चीज़ को हम अपने अमाउंट से नीचे नहीं जाके करेंगे, बल्कि अगर हमें जब ऊपर का अमाउंट मिलेगा जो भी हमारी लागत है उससे ऊपर का मिलेगा तब हम उसको लिक्विडेट करेंगे। आज मैं फिर से आपके सामने सारा की एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ उपस्थित हूँ। आज बात करते हैं हमारे सेट की। तो जिस तरीके से हमारे निदेशकों या सारा के ऊपर जो भी केस लगे हुए थे और जो कुर्की के आदेश किए गए थे, तो सेट का भी जो एक निर्णय आया है तो उसमें ये बोला गया है कि अगर 2000 करोड़ रुपए ये अपने जमा करवा दें तो उनकी जितनी भी कुर्की के आदेश थे तो ये सब सारे वापस हो जाएंगे। तो इसमें सारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के ऊपर जो भी लगाया गया था तो उसमें कंपनी की तरफ से मतलब जो हमारा सेट की तरफ से जो एक आदेश पारित किया गया है जिसमें कि 2000 करोड़ अगर उनके हमारे निदेशक गण जमा करवा देते हैं सारा एक्रो अकाउंट में, तो उस कंडीशन को देखते हुए जो भी उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है पूर्ति की या उनको मतलब पैरोल पे छोड़ने की, वो सारी चीज़ें निश्चित तौर पर ख़त्म कर दी जाएंगी और उनको छोड़ दिया जाएगा, मतलब कि उनके जो भी चीज़ें हैं कुर्की के आदेश को वापस ले लिया जाएगा और आने वाले समय में जो भी हमारा जो एक्रो अकाउंट हमारा जो बनाया गया है सारा इंडिया परिवार की तरफ से उसमें ये पेमेंट जमा होगा, ताकि आने वाले समय में उसी के पेमेंट से लोगों के भुगतान को पूरा किया जाए। तो अब हमारे पास देखना ये है कि जो ये रिलीज इनको मिला हुआ है तो ये 2000 करोड़ हमारे जो निदेशक गण हैं वो 2000 करोड़ हमारे सारा जो सेवी एक्ट्रो अकाउंट है उसमें जमा करवाते हैं या नहीं। इनको 4 हफ्ते का समय दिया गया है, अगर ये 4 हफ्ते में जमा करवा लेते हैं तो इनके ऊपर जो जो कार्रवाई जहाँ जहाँ से होनी थी वो सारी रोक दी जाएगी और इनको आगे का समय दे दिया जाएगा कि ताकि वो इन्वेस्टर के पेमेंट उसी से वो कर सकें। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक जो चल रहा है कि जो लोगों के पेमेंट या कस्टमर के पेमेंट हमारे जो भी सारा इंडिया परिवार में रुके हुए हैं तो उसको कराने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ नए नए नियम या बदलाव ला रही है, नियम ला रही है और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं।
कहीं कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, ताकि जो हमारे सारा के जो मुखिया हमारे सुब्रत और सारा, उनको भी कुछ ऐसा प्रोसेस मिल सके ताकि वो अपने जो भी पेमेंट्स हैं उनको करने के लिए अपना वो बंदोबस्त कर सके। उनको भी पैरोल पे करीब 7-8 महीने से वो पैरोल पे ऑलरेडी बाहर चल रहे हैं, तो उनको ये समय भी दिया गया है कि वो अपने जो भी भुगतान है कस्टमर के उनको करने के लिए वो जो भी यत्न करना चाहें वो कर सकें, और अपने पेमेंट्स को वो मतलब जो भी पेमेंट्स हैं वो इन्वेस्टर को देने के लिए जितना भी चीज़ें हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि पेमेंट किस तरीके से होंगे और ये कैसे होंगे। वो एक नया मतलब एक निर्णय दिया हुआ है कि 2000 करोड़ रुपये जमा करने में, तो अगर ये जमा करवा देते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि इससे भी हमारे कुछ पेमेंट की व्यवस्था की जा सके। तो आज का ये जो टॉपिक हमारा है जो रिफंड वाला है, तो उसमें बात कर लें कि ये रिफंड का मैटर करीब आज से नहीं 9 साल से धीरे धीरे चला आ रहा है। जब 2013 में सारा देवी का जो ये विवाद शुरू हुआ था, और धीमे धीमे आज 9 साल तक होने को आ गया है, और अभी तक इस विवाद पे ये निर्णय नहीं हो पाया है कि पेमेंट्स कब पूरे होंगे या पेमेंट्स मतलब कस्टमर के किस तरीके से पूरे किए जाएंगे। सारा श्री हर बार कोई ना कोई नया एक अपना इख्तियार दे देते हैं या अपना एक इंटरव्यू देके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन कोई भी पेमेंट के लिए कोई भी आगे का शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं। अपने इन्होंने जो जो वादे किए हैं सारे वादे इनके फेल हो चुके हैं, चाहे वो पेपर में इन्होंने दिया हो, चाहे वो इन्होंने अपने मीडिया के माध्यम से दिया हो या न्यूज़ के माध्यम से दिया हो। इनके जितने भी आश्वासन उन्होंने दिए हैं अभी तक कोई भी फुलफिल नहीं हो पाए हैं। तो मतलब ये कस्टमर ये चाहती है कि भाई आप केवल आश्वासन ही देते हैं, अगर पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स फ्रीज हैं तो आपके अकाउंट्स क्यों फ्रीज हैं, ये आप ऊपर से बात कीजिए और अपने अकाउंट्स को मतलब अनफ्रीज करा के जो भी पेमेंट्स हैं लोगों के वो दिलवाइए, और ताकि जो जो सारा इंडिया का परिवार का जो भी एक नाम जो लोगों की जुबा पे था वो उसी तरह से बना रहे, ताकि वो धूमिल ना हो पाए। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई जितनी जल्दी हो सके सारा श्री को ये एक निर्णय लेना चाहिए कि पेमेंट किस तरीके से वो करवाएंगे, और उसका जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन बना के, चाहे वो न्यूज़ चैनल के थ्रू हो, चाहे वो पेपर के थ्रू हो, चाहे जिस तरीके से वो पब्लिश कराएं, और उसी तरीके से लोगों को पेमेंट कराने की व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू करें। ये हमारे कस्टमर की भी एक अपील है और मेरी भी एक अपील है कि इसको जल्द से जल्द भुगतान जो भी हमारे रुके हुए हैं उसको ज़रूर से ज़रूर करवाने की सारा श्री से गुजारिश है, ताकि जो हमारा परचम पहले लहराता था वो आज भी उसी तरीके से लहराए, और आने वाले समय में एक बार फिर से सारा इंडिया परिवार उसी परचम को छुए जो 2007 में छू रही थी। अगर बात करें हमारे जो हमारे एमवी वैली सिटी की बात करते हैं, उसके लिए भी बोली लगी थी, कुछ लोगों ने अपनी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कराया था, ये जो कि अभी किसी को भी वो चीज़ नहीं मालूम हो पाई है, लेकिन अभी उस पर भी कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ है कि एमवी वैली सिटी को भी किसी ने खरीदा हो। तो बताते चले कि इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं वो किसी को भी क्लियर नहीं हो पा रही है कि अंदर क्या मैटर हो रहा है, किस तरीके से आदमी मतलब कि जो सारा श्री है वो पेमेंट्स को करवाएंगे या हमारे ऑफिस के लोग किस तरीके से पेमेंट को करेंगे, ये स्थिति बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। बल्कि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो हर सिटी में किसी न किसी ऑफिस में रोज़ कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा ज़रूर हो जाता है, और उसका मेन रीज़न होता है पेमेंट्स का। आदमी अपने पेमेंट्स के लिए आता है और मार्च से पटक के वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसको पेमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अभी करीब 3-4 महीने पहले जब हमारे सारा श्री ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि भाई इधर थोड़ा सा दिक्कत है और आगे आने वाले समय में हम पेमेंट्स स्टार्ट करेंगे, हमारे खाते भी फ्रीज हैं, जो खाते अगर हमारे स्टार्ट हो जाते हैं तो हम अपने पेमेंट्स को करने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन आज फिर से हमारे 4-5 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी पेमेंट के लिए कोई शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, और ना ही कोई सूचना इसकी किसी को दी जा रही है, ना ही कोई पेपर में इश्तिहार दिया जा रहा है कि किस तरीके से पेमेंट किए जाएंगे।